नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 22 नवंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और ये वीडियो को आप लोग ये मेरा चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर देता हूँ और जो मैंने जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं स्क्रीन करके मैंने कुछ बाइसेल लेवल देता हूँ, वो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एडुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बहुत सारा वीडियोस मेरा जो नॉलेज है उसको शेयर करके मैंने कुछ वीडियोज़ बना के रखा है, वो अभी आप लोग देख सकते हैं। चार्ट का सेटअप, बहुत सारा स्ट्रैटेजीज, सेफ एंट्री कैसे ले सकता है, आर्बिट्रेज पेयर ट्रेडिंग, इसके बारे में और चार्ट का सेटअप भी आप लोग उस से देख सकते हैं। और ये आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके पहले मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को साथ शेयर कर आप लोगों को साथ शेयर करके लेना चाहता हूँ। तो ये है मैंने जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और बाइसेल लेवल्स बनाया, तो उसमें मैंने कुछ चेंजेस लेकर आया हूँ, तो उसको आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सॉरी, ये जो बाइसेल लेवल 3 है, ये जो बाइसेल लेवल 3 है उसमें मैंने पहले जो था तो उसमें ओनली बाइसेल लेवल देता था। तो ये बाइसेल मैंने जो बाइसेल लेवल कम स्किनर बनाया उसमें तीनों लेवल रहता है, बाइसेल लेवल 1, बाइसेल लेवल 2 और बाइसेल लेवल 3। तो आप लोग कोई भी एक में काम कर सकता है, कोई भी एक लेवल पे आप लोग काम कर सकता है, बाइसेल लेवल 1, बाइसेल लेवल 2, बाइसेल लेवल 3। ये बाइसेल लेवल लेवल कम स्किनर में ये रहता है ऑल बाइसेल लेवल, इसमें आप लोग को ये सीट मिलेगा ऑल बाइसेल लेवल्स कम स्किनर 1। स्किनर 1 में आप लोग को बहुत सारा पैरामीटर्स मिल जाएगा, प्लॉटेडी डिलीवरी परसेंटेज, कुछ ईएमए इंडिकेटर्स और बोलिंचर बैंड, प्राइस चैनल, इसमें को ग्राउंड, इसको देखे आप लोग स्क्रीन भी कर सकते हैं और कोई भी एक लेवल पे आप लोग काम कर सकता है। ये सीट में आप लोग को मिल जाएगा बाइसेल लेवल 3, ओनली बाइसेल लेवल 3 और एक स्ट्रेटेजी इसके साथ, और एक स्ट्रेटेजी इसमें आप लोग ये भी आप लोग स्क्रीन के इसमें जो आप लोग में क्रॉस ओवर देख रहा है इधर, तो इसका ये देख के आप लोग स्क्रीन करके कर सकता है, मतलब ट्रेड कर सकता है। और इसमें आर्बिट्रेज पैटर्न और जो मैंने बाइसेल लेवल सिग्नल कम स्किनर 3 में मैंने बाइसेल लेवल ओनली बाइसेल लेवल 3 में मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो मेरा मोस्ट रिकमेंडेड लेवल है, तो उसको मैंने अलग से फाइल बना के रखा हूँ। तो इसमें आप लोग मैंने चेंजेस कुछ लेकर आया हूँ, तो उसको आप लोग को साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो बाइसेल लेवल 3 है उसमें मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बहुत अप ट्रेंड में भी बाइसेल लेवल रखा है और डाउन ट्रेंड में भी बाइसेल लेवल रखा है। तो सोच लीजिए कोई प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो और भी अप जाएगा तो इसका बाई लेवल रहेगा, और वो रिट्रेस करके डाउन में आएगा तो ये सेल लेवल उसका अप ट्रेंड का सेल लेवल आएगा, और डाउन ट्रेंड में जो है वो रिट्रेस करके बाई लेवल में आएगा तो ये एंट्री होगा। ये मैंने जो एंट्री लेवल देखा था ये सबसे सेफेस्ट एंट्री है और ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करके मेरा ये जो चार्ट का सेटअप है इधर मैंने मूविंग एवरेज के साथ कैलकुलेट करके मैंने देखा है। तो आज का ये मेरा पहले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं उधर, पहले वाला वीडियो में मैंने कैसे क्या क्या चेंज लेकर आया हूँ उसको आप लोग दिखा देता हूँ दिखा दिया।
और ये जो जिधर सबसे जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा इधर ही ये बाय सेल लेवल आपको आएगा, ताकि आप लोग को सेफ एंट्री में प्रॉफिट दे सके, शीर्ष पर प्रॉफिट दे सके। तो जब डाउन ट्रेंडिंग में जाएगा वो जब बाइक में रिट्रेस्ट कर रहा है कि और भी नीचे जाएगा तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा। और कौन सा लेवल पर है ये भी आप लोग को ये चार्ट से मतलब इधर से जो मेरा एक्सेल फाइल है इससे इधर से मिल जाएगा आप लोगों को। और वैसे लेवल जो क्लोज है तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये बोलना था, तो मेरा मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बता रहा हूँ। देखिए मैंने निफ्टी और फिफ्टी का चार्ट ओपन किया था, पूरा ओपन किया है। तो इसमें मैंने फिबोनाची लेवल लगाया इधर से, तो देखिए इधर ऊपर इधर से ऊपर गया था, उसके बाद ये थोड़ा सा 38.2% में रिट्रेस होकर आया था, उसके बाद फिर ये अप मूवमेंट रहेगा, अप मूवमेंट में रहे मतलब ये 38.2% में ये रिट्रेस कर रहा है, 38.2% के नीचे अभी तक नहीं आया है। तो इधर देखिए थोड़ा सा डबल टॉप पैटर्न बना है इधर, इधर थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया है ये, इसका इधर नीचे आने का पॉसिबिलिटी है। और इधर 38% मतलब 11,950 के नीचे ये 11,936, उसके बाद 11,905, उसके बाद 11,829, उसके बाद 11,750, उसके बाद 11,650 तक आ सकता है। और 12,100 में इसका रेजिस्टेंस है, वो तोड़ेगा तो 12,200 के ऊपर जा सकता है। और बैंक निफ्टी का मैंने दिखाना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, वो भी आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए बैंक निफ्टी मैंने इधर फिबोनाची लेवल ड्रा करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है। देखिए ये 38.2 का परसेंट के ऊपर ये एक ट्रेड कर रहा है, ये अभी इसका ये 0% लेवल है, ये 31.462 पहले ये 31,500 का लेवल थोड़ा है, ये इसका अभी रेजिस्टेंस ये इसका 32,000 में है। और ये नीचे आएगा तो इसका 30,500 में इसका सपोर्ट मिलेगा, सॉरी 30,950 में इसका सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद 30,755 में इसका सपोर्ट मिलेगा, इसका 30,590 में इसका सपोर्ट आएगा, उसके बाद 30,000 में इसका सपोर्ट आएगा, उसके बाद ये और भी नीचे जा सकता है। तो ये जो मेरा जो मैंने ये निफ्टी और बैंक इसमें जो फाइल है मेरा, इसमें मैंने 150 FNS स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन और निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी सबका लेवल मैंने दे देता हूँ। ये मैंने आप लोग को जो मैंने व्यू देता हूँ, रेगुलर व्यू देता हूँ, उसमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का लेवल भी आप लोग को दे देता हूँ। और आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा तो ये पूरा फाइल आप लोग को एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगा, उसका लिंक यूट्यूब वीडियो का लिंक में आप लोग को मिल जाएगा। और ये फाइल का लिंक भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल फाइल, और उसका भी आपको लिंक दिया जाएगा, उसमें कैसे स्क्रीन करना है, कैसे यूज करना है, वो भी आप लोग को उधर उसका वीडियो भी आप लोग को इधर उधर देखना मिल जाएगा। तो मैंने ऑप्शन चेन का देख एनालिसिस करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का। देखिए ये इसमें निफ्टी का मैंने देखता हूँ पहले, अच्छा जो बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ। हाँ बैंक निफ्टी इसमें देखिए और PCR रेशियो इसका 1.18 अप्रोक्सीमेटली 1.18 इसका। देखिए इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 32,000 में हुआ है, इसका ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 167 और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, अब लोग देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है लेकिन प्राइस नेगेटिव हुआ है, प्राइस चेंजेस चेंज इन प्राइस। और 31,000 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, तो इसका इधर भी इधर ओपन इंटरेस्ट चेंजेस हुआ है लेकिन इधर का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर हो सकता है लॉन्ग बिल्डअप हो तो उसको मार्केट बैंक निफ्टी को नीचे लेकर जाएगा।
तो इधर इधर कॉल साइड में भी शॉर्टिंग हो रहा है उस साइड में, तो इसीलिए थोड़ा सा ये साइड मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन इधर जब शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा तो